नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधार क्लासी स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। आज हम हाजिर हैं, आज करेंगे हम जीके का पोर्शन, ठीक है, जनरल नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यूपी एफसीआई वॉचमैन के पेपर के बारे में। आप यहां पे देख सकते हो कि ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। यहां पे देखो, यहां पे दिया गया है सीरीज ए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इस तरीके की सीरीज में दे रखा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम कल इसके टॉपिक पे बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हैं। तो अब हम आते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जीके के पोर्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में तो हमारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं और फिर हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और अब जो हैं हमारे इसके बाद जो आएंगे वह है, यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी तक रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं 57, 58, 60, ठीक है, और 61। ये जो 61 है, ठीक है, 61 से हमारे जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि हर बार जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की आने की संभावना होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 61 क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरफ यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है, एक तरफ आएगा यहाँ पे हिंदी में। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस राज्य में रामगंगा नदी को रथवाहिनी नाम के से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे गंगा, ठीक है, गंगा का नाम आ गया यानी नदी का नाम आ गया, यानी नदी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, आप जो उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की सारी नदियाँ हैं तो उनको आप पढ़ लेना। तो इसका आंसर है उत्तराखंड, ठीक है, क्योंकि राम गंगा को, ठीक है, रथवाहिनी नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड में। तो इसी तरीके से अदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे यमुना को, ठीक है, और किसी चीज़ को क्या बोला जाएगा। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड, हॉकी खेल की साधारण अवधि कितनी होती है, ठीक है, जो शब्दी वो अवधि होती है इसकी, ठीक है, वह 70 मिनट की होती है, ठीक है, इसका आंसर है 70। आगे बात करते हैं 63 का। सातवीं इंडिया एनर्जी कांग्रेस यानी IEC 2018 की मेज़बानी कौन सा नगर करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो अभी हमारे उस पर लाइक बहुत कम है, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे वीडियो पर लाइक कर दो, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65 की। इनमें से किस नगर में काला घोड़ा उत्सव 2018 का आयोजन करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर है भाई मुंबई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो 12वें प्रधानमंत्री का जो नाम है वह है इंदर कुमार गुजराल, ठीक है, यानी ए। 67 की बात करते हैं, तो 2018 डेटा निजता दिवस यानी डेटा प्राइवेसी दिवस किस तारीख को मनाया गया, तो इसका आंसर है ये था 28 जनवरी, ठीक है। 68 की बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसका नाम है भाई इसरो। मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो का, ठीक है। इसरो का जो मुख्यालय है वह बैंगलोर में है, कहाँ पे, बैंगलोर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए जरूर आता है, ठीक है। एक तो इसरो का और एक BARC का, ठीक है, ये जरूर आता है। BARC का जो मुख्यालय वह ट्रांबे में है, मुंबई में, ठीक है, बट इसरो का जो है वह बैंगलोर में है। इसका आंसर जो है वह 69 यानी 1969 यानी 1969 ईस्वी में गठन हुआ था इसरो का। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो याद रखना है जो हमारे, ठीक है, पहाड़ हैं, ठीक है, वर्ल्ड के पहाड़, वो भी आपको याद करने हैं, ठीक है, उनकी चोटी भी याद करनी है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, उत्तर अमेरिका की पूछी है इसने, तो ये उत्तर अमेरिका की ये वाली अभी डेनाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं कि 20 अगस्त का दिवस जो है वह किसके नाम पे मनाया जाता है, ठीक है, तो इनका नाम है भाई सद्भावना दिवस, ठीक है, सद्भावना दिवस है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल दिलीप ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का है और आपको पता भी होगा इसका आंसर। यह है एक दिलीप ट्रॉफी जो होती है वह क्रिकेट में होती है।
लता मंगेशकर भी आपको पता ही है, यह है एक सिंगर है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किन को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इनका नाम है लाला लाजपत राय, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, उन इस क्वेश्चन से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि इससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर है 3 मार्च 2017, ठीक है। ये तो था, ये करंट का क्वेश्चन था 2017 का, इस बार जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है 2018 का। मैं आपको बता दूं जो जनवरी से लेके, ठीक है, जो अगस्त तक, ठीक है, ये आप करंट अफेयर जरूर पढ़ लेना 2018 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे देखो फिर वही आ गया, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, मैंने कहा था ना पहाड़ पर्वत वगैरह ये ज़रूर इम्पोर्टेंट होते हैं, तो माउंट एवरेस्ट की दो बार चढ़ाई करने वाली सर्वप्रथम कौन थी भाई, ठीक है। इसका आंसर है संतोष यादव, याद रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, 76 यानी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को अवकाश किस रंग का दिखाई देता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है भाई डी यानी ब्लैक दिखाई देता है वहाँ से, ठीक है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक मात्रा में पहाड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है याद रखना कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है भाई महाद्वीप, एशिया, तो एशिया में सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, चाइना मैन यह परिभाषित शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि अभी जो है चाइना मैन जो है वह क्रिकेट में एक उसको बोला गया है, उसका नाम है कुलदीप यादव, ठीक है, जो बॉलर है उससे आप याद रख सकते हो। 79 को याद रखना है कि जनसंख्या के आधार पर भारत के सभी राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पर आता है, ठीक है। जिस तरीके से ये उत्तराखंड की बात कर रहा है इसी तरीके से ये हमारे उत्तर प्रदेश की भी बात कर सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में जनसंख्या है वह इस टाइम जो है वह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यानी जनसंख्या के स्थान पर कौन सा आ गया, उत्तर प्रदेश पहला, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत आता है, वह फोर्थ स्थान पर है, बट किस में है ये फोर्थ स्थान उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की। एक बात और बता दूँ, जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, वह विश्व में, ठीक है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स रखता है, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 79 का आंसर है भाई 20, ठीक है, तो 20 स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि न्यू वर्ल्ड पैथ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व की अमीर देशों की श्रेणी में भारत किस स्थान पर आता है। आपको याद रखना है भारत जो है वह अमीर देशों की स्थान पर कौन से पर आता है, यानी कौन से नंबर पर है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भाई वह 6 है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, ठीक है, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन तो आपका पुरस्कार का आना ही आना है, चाहे वह नोबेल पुरस्कार हो, भारत रत्न पुरस्कार हो, कोई सा ही पुरस्कार हो, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर है 1913 में। 82 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है भाई, चुनाव आयोग से भी आ सकता है। यहाँ पे जो चुनाव याचिका है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार जो है किस में निहित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका है भाई उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। तुम्हें तो पता ही है याचिका कहाँ पर डलती है भाई, हाई कोर्ट में कोई भी डाल सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 83 की है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे स्थित है, तो भाई 83 का आंसर है भाई वह रुड़की में है, ठीक है। इसी तरीके से मैं बता दूँ आपको जो हमारे यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे वन्य जीव बिहार हैं, ठीक है, और अनुसंधान बहुत है, जैसे बकरी का हो गया, कागज का हो गया, ठीक है, और विज्ञान का अनुसंधान हो गया, इनमें से क्वेश्चन एक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 की बात करते हैं, तो डांडिया कहाँ का लोकप्रिय
नृत्य है, एक नृत्य जरूर आना ही है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लोक नृत्य भी मैं करा दूंगा इससे, ठीक है, एक वीडियो लेके मैं उसमें लोक नृत्य करा दूंगा। वैसे इससे हमारी पिछली वीडियो अगर आप जाओगे तो उसमें मैंने नृत्य भी करा रखे हैं, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो पीछे भी जा सकते हो। तो इसका 84 का आंसर है भाई गुजरात, ठीक है, तो गुजरात का यह है डांडिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 85 ले लेते हैं कि जो त्रिपिटक है, ठीक है, किस धर्म से पुस्तकें जो हैं वह सॉरी धर्म की पवित्र पुस्तक है, ये किसकी है भाई, ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इसका आंसर है भाई बौद्ध, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का लोक पुरुष जो है किसे कहा जाता था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पे इम्पोर्टेंट लिख लेना भाई, इसका आंसर है भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता था, ठीक है, इसका आंसर आ गया बी। 87 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, 100% रचना आएगी आपकी, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, तो 87 का है भाई सी आंसर, ठीक है, ये इनका भद्रबाहु ने लिखी थी भाई ये, ठीक है। 88 की बात कर लेते हैं, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर नगर पर कौन सा बम गिराया था, भाई मैं आपको बता दूँ जो अमेरिका ने गिराया था बम वह दो शहरों पे गिराया था, ठीक है, दो नगर पे गिराया था, सबसे पहला है उसका नाम, एक तो हिरोशिमा है, ठीक है, और एक नागासाकी है, उन दोनों पे यह परमाणु बम गिराया था, ठीक है, तो ये अभी आपको इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर है भाई सी, ठीक है, 6 अगस्त 1945 आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी, देखो नदी से दो क्वेश्चन आ गए हैं आपके, ठीक है, नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है, नदी सारे पढ़ के जाना, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ठीक है, और भारत की नदियाँ, ये सारी की सारी पढ़ के जरूर जाना आप, इम्पोर्टेंट है दोनों। तो किस नदी पर अजमेर शहर जो है वह किस नदी पर स्थित है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लूनी नदी है, ठीक है, तो यह अजमेर शहर इस पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस जो है, ठीक है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है भाई वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हमारे अगस्त के आसपास है, अगस्त सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और जुलाई, ये 4 मंथ है, इसके आसपास के जो हैं दिवस वे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन की बात करी 30 क्वेश्चन की, ठीक है, ये 30 क्वेश्चन जो थे वह जीके के थे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, इस तरीके से हम वीडियो लेके आते रहेंगे, डेली क्लास चलेगी जीके की, ठीक है, और भी सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो करो, ठीक है, तभी आपकी समझ में आएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दो, ठीक है, और हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दो, धन्यवाद।